हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। अभी तक कल हमने समांतर श्रेणी के बारे में डिस्कस किया था। आज हम उसको आगे बढ़ाने वाले हैं। हम उस समांतर श्रेणी के बारे में हमने पूरी ऐसी चर्चा कर ली थी कि क्या होता है, पूरा बेसिक हमने जान लिया था और कुछ क्वेश्चंस किए थे। अब कुछ एडवांस क्वेश्चन समांतर श्रेणी के करने वाले हैं। उनमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, इस प्रकार का कोई क्वेश्चन है। इसने अगर शुरुआत में ही बोल दिया कि एक समानांतर श्रेणी है या नहीं है, तो हमें पता लगाना पड़ेगा कि समांतर श्रेणी है या नहीं। तो उसके लिए एक तरीका होता है कि हम दो कॉमन डिफरेंस देखते हैं, लेकिन कॉमन डिफरेंस सेम नहीं हो रहा है। जब भी कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होता है, लेकिन इस प्रकार से कोई सीरीज चलती हो, मैंने आपको बताया था कल, अगर इस प्रकार से कोई सीरीज चलती हो जिनमें कॉमन डिफरेंस सेम हो, ठीक है, तो उसे भी समानांतर श्रेणी ही कहेंगे। कॉमन डिफरेंस यहाँ पर सेम, यहाँ से तीन सीरीज बन रही है टोटल, आप देखेंगे तो इस प्रकार से -3 -4 -5 -2 -3 -4, इस तरीके से +1 +2 +3 +4, आगे इस तरीके से कोई सीरीज चल रही है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते थे कि हम पेयर बना लेते थे, उस पेयर को समानांतर श्रेणी में, उसकी समानांतर श्रेणी बना लेते थे, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल 99 टर्म तक का मुझे सम फाइंड करना, मतलब इसको सॉल्व करना है। तो मैं 99 टर्म अगर दो तीन तीन के पार्ट में इस प्रकार से तोड़ दूं कि इनका इनका इनको इस प्रकार से एक टर्म पूरी ये कर लूं, एक टर्म पूरी ये और एक टर्म पूरी ये, इस प्रकार तीन तीन पद अगर मैं जोड़ रहा हूं, तो टोटल 99 अभी यहाँ पे हमें, लेकिन वो कितने जाएंगे, 33 हो जाएंगे। टर्म नंबर 33 तक जाना पड़ेगा, मतलब 33 तक का मुझे सम निकालना होगा। सबसे पहले मैं यहाँ देखता हूँ, 3 और 2 5 और 1 ये माइनस के 4, यहाँ पर से 4 और 3 7 -2 -5, यहाँ से 5 4 और 5 9 -9 -3 -6 हो गया। इस तरीके से कोई सीरीज चल रही है और ये टर्म नंबर 33 तक जाएगी, 33 टर्म हो गई। अब इसका मुझे सम निकालना है, तो आपको पता है सम का जो फार्मूला होगा, सम 33 का निकालना है मुझे, सम का जो फार्मूला होगा वो होगा 33/2 n/2, है ना। उसमें 2a, यहाँ से जो a है वो फर्स्ट टर्म a बराबर -4, और कॉमन डिफरेंस मुझे भी चाहिए, कॉमन डिफरेंस भी चाहिए, तो डिफरेंस यहाँ से क्या जाएगा, -5 -4 -5 -4, तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस आया -1। 2 into a मतलब कि माइनस का 8 प्लस प्लस n माइनस 1 33 मतलब कि 32, और कॉमन डिफरेंस आया मेरे पास -1, ठीक है। तो यहाँ से आया 33/2 into ये आ जाएगा -40, इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 20, जो कि माइनस का, इसलिए माइनस का है ना, तो बराबर में हो जाएगा -660। इस तरीके से मुझे क्वेश्चन करना था। अब थोड़ा सा और एडवांस चलते हैं, और क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उन क्वेश्चन की अपन चर्चा करते हैं। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इस तरीके से होगा, इस तरीके से आजकल जो पैटर्न आ रहा है वो डायरेक्ट सीरीज ना देकर इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जिसमें पता लगाना होता है कि एक सीरीज चल रही है या नहीं। तो आप देखेंगे, फाइंड द सम ऑफ ऑल टू डिजिट नंबर विच विल एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 9, तो वो मुझे फाइंड करना है। तो टू डिजिट नंबर जो कि डिवाइडेड बाय हो 9 से, तो 9 से पहला जो डिवाइड होता है, पहला नंबर जो होता है सबसे छोटा नंबर, वो होता है 9, लेकिन ये टू डिजिट में नहीं है। तो सेकेंड नंबर होगा 18, ये टू डिजिट नंबर, सबसे छोटा नंबर टू डिजिट में 18, तो मैं कहूँगा कि फर्स्ट नंबर जो होगा वो 18 होगा, है ना। और सबसे बड़ा नंबर जो 9 से डिवाइड हो और टू डिजिट का हो, वो होगा 99, तो ये 99 तक इस प्रकार से कोई सीरीज जाएगी, जो 99 तक लास्ट टर्म कौन सी होगी, 99, इस प्रकार से एक सीरीज चलेगी 18 27, है ना, इस प्रकार से आगे भी चलेगी, मतलब कि 9 का मल्टीपल। तो यहाँ से मुझे पता, एक चीज़ मुझे बताना आपको बताया नहीं था लास्ट क्लास में, हम जब भी कोई सीरीज दी होती है तो उसमें कितने टर्म है वो फाइंड कर सकते हैं, हाउ मेनी टर्म्स इन द दिस सीरीज अपन इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो उसका एक फार्मूला होता है कि फर्स्ट टर्म, सॉरी, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1। इस तरीके से अपन किसी भी टर्म में कितने
टोटल कितने पद हैं, कितने टर्म हैं, किसी भी सीरीज में कितने टर्म या कितने पद हैं वो निकाल सकते हैं। तो लास्ट टर्म हमारा है यहाँ 99, ये हो जाएगा 99 टर्म निकालने हम लोगों को, एन टर्म मान लो, कितने टर्म, तो टर्म नंबर एन, एन टर्म निकाल दो है ना। तो इसको 99, ये माइनस एफ टी, फर्स्ट फर्स्ट टर्म की बात करूँ, फर्स्ट टर्म 18 डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस यहाँ पर 9 है, ये 9 प्लस में 1, यहाँ से हमारे पास टोटल पद कितने हैं वो आ जाएंगे, ये आ जाएगा 11 माइनस, मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ, पहले मैं डायरेक्ट डिवाइड दोनों को कर सकता हूँ, अगर दोनों माइनस में तो दोनों को एक साथ डिवाइड कर सकता हूँ, यहाँ से 11 और यहाँ से, तो 11 माइनस 2 9, 9 और 1 10, इस प्रकार से मेरे पास टोटल टर्म जो होगी इस पूरी सीरीज में वो 10 टर्म होगी, ये आपको फाइंड करना आ गया। अब मुझे निकालना है सम ऑफ, सम ऑफ 10 टर्म्स, टोटल 10 पद है तो 10 पदों का योग, सम ऑफ 10 टर्म मैंने आपको बताया था, सम ऑफ 10 टर्म, अगर लास्ट क्लास आपने नहीं देखी है तो उसको जरूर देखना, सारी बेसिक चीज़ें उसी में रहे, उसी में है, तो उसको जरूर देखना, उसके बाद इसमें क्या और भी एडवांस कुछ क्वेश्चन लेने वाला हूँ मैं, तो वो आपको जल्दी जल्दी समझ में आएंगे। सम ऑफ 10 टर्म्स, 10 बाई 2 5, एन बाई 2 5 इंटू 2 ए, 2 ए 2 इंटू 18 प्लस एन माइनस 1 डी, एन माइनस 1 मतलब एन माइनस 1 9 इंटू डी, डी मतलब क्या, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, इस तरीके से अपन निकालते थे। एक फार्मूला और ये देखा था हमने, इस तरीके से भी सॉल्व करते, एक फार्मूला हमने देखा था कि एस एन बराबर होता है एन बाय 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, अगर आपने ये नहीं देखा है तो लास्ट क्लास में आपने पूरी देखनी पड़ेगी, लास्ट क्लास तभी आपको समझ में आएगा। तो यहाँ से हो जाएगा ये 5 इंटू में फर्स्ट टर्म मतलब कि 18 और लास्ट टर्म मतलब 90, नहीं ये कितना हो जाएगा 18 और नन्य, ये हो जाएगा 117, 5 इंटू 117, यहाँ से आ जाएगा 11 पाँच जो 55 और 3 500, ठीक है, इस तरीके से आप किसी भी टर्म को निकाल सकते हैं, इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो भी यही आने वाला है और इस तरीके से सॉल्व करते हैं तो भी यही आने वाला है, ठीक है, तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें थोड़ा और कुछ सीखते हैं, ठीक, आप देख रहे होंगे इसी क्वेश्चन को मैंने थोड़ा और एक्सप्लेन किया है कि और क्या किस तरीके से पूछ सकता है, तो इसमें लिखा है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल टू डिजिट नंबर विच वेन डिवाइडेड बाई 9 इट लीव्स रिमेंबर 3, मतलब कि ऐसा नंबर मुझे याद करना है जो 9 से डिवाइड करने के बाद 3 शेष बचाता हो और 2 डिजिट का वो नंबर होना चाहिए। तो मैं निकालता हूँ फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म निकालने के लिए मुझे सबसे पहले फर्स्ट टर्म 9 से डिवाइड होने वाली 9, लेकिन 3 शेषफल बचना चाहिए, 3 शेषफल बचना चाहिए मतलब 3 रिमाइंडर बनना चाहिए, रिमाइंडर होना चाहिए, तो इस 3 को मैं प्लस कर लूँ तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी यहाँ से, यहाँ से हो जाएगा 12। अब 9 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 3 शेषफल बच जाएंगे, इस प्रकार से अगली जो टर्म होगी वो इनका डिफरेंस तो 9 ही होना चाहिए क्योंकि अगली टर्म होगी 9 दूनी 18 प्लस 3 21, ठीक है, इस तरह का आगे की सीरीज होगी। ऐसी लास्ट जो डिजिट होगा, लास्ट जो नंबर होगा वो 9 से डिवाइड होना चाहिए, साथ में 2 डिजिट का नंबर होना चाहिए। लास्ट टर्म अगर देखूँ मैं 99 जो 9 से डिवाइड हो, लेकिन 3 डिजिट 3 रिमेंबर बचना चाहिए, अगर 3 जोड़ूंगा तो ये 3 डिजिट का नंबर हो जाएगा और मुझे चाहिए 2 डिजिट नंबर, तो इससे जस्ट पहले वाला नंबर देखता हूँ 90 9 से डिवाइड होगा प्लस में 3 ताकि शेषफल 3 बच जाए, तो वो हो जाएगा 93। अब मुझे सम ऑफ ऐसा निकालना, लेकिन उसके लिए मुझे नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए, एन चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स लिख देता हूँ, नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए मुझे तब जाके मैं निकाल सकता हूँ। नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए मैंने अभी आपको बताया लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इनका जो भी कॉमन डिफरेंस प्लस में 1, यहाँ से जो निकलेगा लास्ट टर्म है 93 और फर्स्ट टर्म है 12 डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस 9 प्लस में 1, ये आ जाएगा 81 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 10, टोटल 10 टर्म इस सीरीज में है। अब मुझे निकालना है सम, तो सम ऑफ 10 टर्म निकालना है, सम ऑफ 10 टर्म, अगर लास्ट टर्म दे रखी है और फर्स्ट टर्म दे रखी है तो मैं डायरेक्ट फार्मूला लगाऊंगा एन बाय 2 मतलब कि 5 और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये हो जाएगा 5 इंटू,
ये हो जाएगा 7 और 5 12 105, ये हो जाएगा 25 525, ये मेरा आंसर है। इस तरीके से अपन किसी भी क्वेश्चन को जल्दी से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे कुछ और टाइप देखते हैं, ऐसे इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, बहुत से एग्जाम्स इस प्रकार से पूछते हैं, इसके अलावा और भी जो टाइप है वो अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इस प्रकार का क्वेश्चन है, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, सीधा सा डायरेक्टली आपको बता दूंगा मैं क्वेश्चन है क्या, हिंदी में बोलकर बताता हूँ। इसमें दे रखा है कि दो पद और दूसरा पद और पांचवें पद, मतलब दूसरे पद और पांचवें पद, सेकंड टर्म और फिफ्थ टर्म का जो सम है वो 8 है, ऐसे ही सेम थर्ड टर्म और सेवन टर्म का जो प्लस है, मतलब जो सम है वो है 14, तो आपको 11 टर्म आपको फाइंड करना है। तो आपको ये पता है कि टर्म का जो फॉर्मूला होता है, टर्म का जो जैसे एन टर्म अगर तो है, तो एन टर्म को निकालने का तरीका ये होता है ए प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है, इस तरीका से फार्मूला होता है। हमें निकालना है 11 टर्म, मतलब कि अगर मैं 11 की बात करूं टी 11, तो ये हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन, 11 माइनस वन 10 डी, मुझे ये फाइंड करना है। मैं यहाँ से दो इक्वेशन बन रही है, मैं T2 निकाल सकता हूँ, T2 मतलब टर्म नंबर, यहाँ पर T स्मॉल के बजाय कैपिटल लिख रखा है, लेकिन क्वेश्चन यही है कि टर्म नंबर है ना, तो T2 मतलब कि A प्लस D 2 माइनस 1 एन माइनस वन, या 2 माइनस 1 D प्लस A प्लस T5 मतलब कि A प्लस 4 D इजिकल टू 8, यहाँ से हो जाएगा ये 2A प्लस 5 D इजिकल टू 8, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बनी मेरे पास। सेम इसको भी सॉल्व करता हूँ, यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस 2 D प्लस ए प्लस 6 D इजिकल टू 14, ये हो जाएगा 2A प्लस 8 D इजिकल टू 14, सेकेंड नंबर इक्वेशन है। और इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को मैं हल कर सकता हूँ कैसे, इस इक्वेशन के साथ रख के देखो इस तरीके से, 2A प्लस 5 D बराबर 8, इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं माइनस करूँ तो ये माइनस हो जाएगा, हर जगह माइनस होगा, तो यहाँ से तो ये माइनस करने पर ये दोनों जीरो हो गया, बचा इसमें से 3D इजिकल टू 6, D यहाँ से आया मेरे पास 2, अगर मेरे पास D 2 आया है, मतलब कि कॉमन डिफरेंस अगर 2 आया है, तो मुझे A और चाहिए, तो A निकालने के मैं इस सीरीज़ में वैल्यू रखूँ, इस सीरीज़ में किसी भी सीरीज़ में वैल्यू रखूँ, D की वैल्यू अगर मैंने यहाँ रखी तो ये हो जाएगा 2A, इसी में सही सॉल्व कर देता हूँ, 2A प्लस 2 5 10 बराबर 8, यहाँ से आ जाएगा 2A बराबर माइनस का 2, A बराबर आ जाएगा माइनस का 1, A की वैल्यू आ गई, D की वैल्यू आ गई, मैं T11 निकाल सकता हूँ, T11 निकालने की मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर A की वैल्यू रखनी माइनस 1 प्लस में प्लस 10D, 10 इंटू 2 20, तो ये आ जाएगा माइनस 19, सॉरी, तो 11 टर्म जो होगी वो मेरा 19 हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या आता है। इस तरीके का क्वेश्चन था जो SSC CGL में पूछा गया था एक बार, और इसके अलावा सेम ऐसा ही ऐसा क्वेश्चन एक UPSI में भी पूछा गया था, तो इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि किसी सीरीज समांतर श्रेणी में, इसमें ऐसा क्वेश्चन है, किसी समांतर श्रेणी में पहले 5वें 10वें और 15वां, इधर 20वां और इधर 24वें जो पद है उनका जो योग दे रखा है 225 दे रखा है, और हमें निकालना है सम ऑफ सम, मतलब योग बताना है 24 टर्म का, लगातार 24 टर्म का हमें योग बताना है इस सीरीज में, इस समांतर श्रेणी में। तो इसको सॉल्व करने का तरीका भाई, टर्म का जो फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन डी होता है, तो मैं यहाँ से सॉल्व करूँगा ए प्लस, यहाँ से ए तो फर्स्ट टर्म ही है, एन टी वन मतलब कि फर्स्ट टर्म ए प्लस ए प्लस 4D प्लस ए प्लस 9D प्लस ए प्लस 14D प्लस ए प्लस 19D और ए प्लस, ये हो जाएगा 23D, और इनकी वैल्यू है 225, यहाँ से कितने ए हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 6D है ना, प्लस में इनको सबको आप जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 69, सॉरी ए है ना, 6A प्लस 69D बराबर हो जाएगा 225। यहाँ से मैं 3 को कॉमन निकाल सकता हूँ, 3 को कॉमन निकालूंगा, 3 से पूरे इसको डिवाइड कर देता हूँ मैं, तो हो जाएगा ये 2A प्लस
मतलब कि 23 हो जाएंगे, 23 डी 23 63, ठीक है, बराबर 75। और मुझे निकालना क्या है वो भी देख लेते हैं कि इसमें क्या चाहिए मुझे। एस 24 तक का सम चाहिए मुझे, 24 टर्म का। तो ये फार्मूला होगा एन बाय टू, 2a प्लस 23d, ये आ जाएगा। ठीक है, हमें यही चाहिए। इसमें 2a प्लस 23d है, 2a प्लस 23d बराबर 75 आ गया। n बाय टू मतलब कि 24 बाय टू 12 इंटू, इसकी वैल्यू मुझे पता है 75, तो ये हो जाएगा 60 बार 7 84 और 6 900। इस तरीके से अपने सॉल्यूशन करना था इसको, इस क्वेश्चन को समझ। इसके अलावा और कुछ और एडवांस क्वेश्चन बहुत सारे हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो। आप इतना ही वीडियो देखें कि बहुत कुछ सीख जाएं, इतना वीडियो काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में अपन इससे आगे के क्वेश्चन करेंगे। इसके अलावा अभी AP चल रहा है, GP और HP के बारे में हमें बात करना है, वो भी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी तक आपने अगर इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।